भारतीय किसान यूनियन के द्वारा विश्वासघात दिवस मनाया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को खत्म करने के दौरान बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे वो अब तक वादे पूरे नहीं हुए, इसी से नाराज होकर उन्होंने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। मथुरा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसे स्थगित कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कुछ वादे किए गए थे जो केंद्र सरकार वादा खिलाफ निकली, जिसे लेकर आज हम सभी पदाधिकारी विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मथुरा की सदर तहसील पहुंचे, यहां उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन SDM को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है, क्योंकि सरकार ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसी को लेकर विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए गिरिराज सिंह परिहार मंडल सलाहकार ने बताया कि हमारा जो किसान आंदोलन का धरना चल रहा था उस समय सरकार ने हमसे कुछ वादे किए थे, धरना समाप्त कराने के लिए उन वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए, इसी वजह से हमने यह विश्वासघात दिवस बनाया है। वहीं इसी को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक संबोधित ज्ञापन मथुरा के जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के आगरा मंडल सलाहकार गिरिराज सिंह परिहार, महिला सभा की जिलाध्यक्ष मीना ठाकुर, किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयभान सिंह जाटव, मुजाहिद कुरैशी, शहर अध्यक्ष राजू स्मित एवं सिंतु पिंटू पीटर आदि किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। मेरा नाम गिरिराज सिंह परिहार, मंडल सलाहकार आगरा। आज ज्ञापन दिया है किसी? आज ज्ञापन दिया है, ऐसा है जो सरकार ने हमारी जो वादा खिलाफी की है, हमारा जो धरना समाप्त कराया था, कुछ मांगे थी हमारी उनको लेकर के, लेकिन इन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए, इसी वजह से आज हमने विश्वासघात दिवस मनाया है। इसके लिए राष्ट्रपति महामहिम ग्राम एक ज्ञापन दिया है हमने, उस ज्ञापन में ये सारी बातें लिख के दी हैं और इस पर संज्ञान ले सरकार, अगर नहीं लेती है तो आगे और कोई रणनीति बनाएंगे हम। ये किसानों की मांगें पूरी न होने पर हमने आज ये विश्वासघात दिवस मनाया है। ये दिया है आज विश्वासघात दिवस मनाया है भारतीय किसान यूनियन ने, SKM ने, UP के 75 जिलों में सभी तहसीलों में आज मनाया गया है। ये मुख्य रूप से 9 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने एक लेटर दिया था भारत सरकार के माध्यम से, 5 मांगे थी उसमें, MSP की गारंटी के लिए कैसे सुनिश्चित की जाए, इसीलिए SKM के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक होनी थी, किसानों के मुकदमे वापस होने थे और लखीमपुर खीरी घटना में जो घायल हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है, और लखीमपुर खीरी की घटना में संलिप्त अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और बहुत सारे 5 मांगे हैं हमारी, उनमें किसी भी पूरे तरीके से सरकार बिल्कुल भी हमारे विश्वास में नहीं है। आंदोलन को माननीय राकेश जगत जी ने आंदोलन को स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया आंदोलन हमारा, हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जारी रहेगा। और भी ये पत्र है, इसमें मैं ये आपको इस... क्या नाम है? मेरा नाम मीना ठाकुर, भारतीय किसानों से जिलाध्यक्ष हूँ मैं। जो ज्ञापन दिया है के संबंध में दिया भाई, ज्ञापन दिया हमने दिया है किसानों के संबंध में, पर एक महिला होने के नाते मैं एक महिला के उग्रणी होते हैं, मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि योगी सरकार में ना कोई किसान सुखी, ना कोई परिवार सुखी, ना कोई महिला सुखी, बड़े बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगे, अभी तक इस सरकार में कोई सुखी नहीं रहा। अभी कह रहे कि विकास 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 की बात करते हैं, सिर्फ भारत देश में एक नाम रख दिया गया विकास, अभी तक विकास के नाम पर एक चीज नहीं, बिजली के बिल से लेकर गैस से लेकर के सिलेंडर से लेकर के शिक्षा से लेकर के स्कूल बंद है, ठेका बंद क्यों नहीं हुआ भाई दारू के? ज्ञापन जो दिया है फिलहाल उसके बारे में बताएं। देखो भाई, हमारे किसानों ने बाकी दिया है इसका ज्ञापन, जो मेरे कुरैशी भैया ने बोल दिया ये बोल दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक अपनी बात पहुंचाना चाह रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही बात कहूंगी, जो लगान ज्ञापन दे दिया उन्होंने, पर मेरी एक ही खबर है ये इसी के लिए कि स्कूल बंद है तो ठेका बंद होना चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहती।